तो जब भी आप 1948 से लेकर हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी पढ़ेंगे, उसको आप कैसे पढ़ेंगे? 1948 से 51 के बीच में एक फेज है आपका, 51 से दूसरे फेज की शुरुआत हो जाती है, 51 से 56 के बीच में दूसरा फेज रहा, 56 से तीसरे फेज की शुरुआत होती है 1963 तक रहा, 1963 में फिर थोड़ा बदलाव आ जाता है 1966 तक, 67 से फिर चेंज हो जाता है 67 के बाद 71 तक, और 71 के बाद जो स्टोरी है वो आज तक सेम है। तो इसको इसी फेज में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना, तो जैसे हमने कल भी पढ़ा है 9,35,000 की पॉपुलेशन है, 27,108 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, 26 तहसील है, 2 उप तहसील है। ये हिमाचल प्रदेश था 1948 में। और 1948 में हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया और एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। ये पूरा 1948 से 1951 तक जो 3 साल रहे, इन 3 सालों में 3 चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश में रहे। सबसे पहले एनसी मेहता, दूसरे ई पेंड्रोल मून, उसके बाद भगवान सहाय थे, और उनका राइट ऑर्डर भी यही है, और अंतिम जो है चीफ कमिश्नर रहे भगवान सहाय। लेकिन इस बीच में कुछ एक और घटना घटी, वो हम सबसे पहले देखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव हो गया 1950 में। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा जरूरी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना। 1950 में हिमाचल प्रदेश का, इसको रीऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव हुआ, यानी कि लैंड एक्सचेंज कर दी गई। कुछ जमीनें जो है जो कि पंजाब में थी उसको हिमाचल में मर्ज कर दिया गया, और कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश का पंजाब को ट्रांसफर कर दिया गया, और कुछ पार्ट जो पेप्सू का था उसको हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर किया, और हिमाचल प्रदेश से पेप्सू को कुछ लैंड ट्रांसफर कर दी, जिसको हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव जो हुआ ये 1950 में, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से समझना आपने, और इसमें कुछ चीजें मैंने पेंसिल पे टिक की है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इसको समझेंगे हुआ क्या। 1950 में जो रीऑर्गेनाइज किया गया वो किया गया महासू डिस्ट्रिक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मंडी, सिरमौर और चंबा की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये क्लियर रखना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए। और आपको पता, ऐसा ही एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1972 में, इसको आगे जाके पढ़ेंगे। 1950 में महासू डिस्ट्रिक्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया और इससे कुछ बदलाव हुए, और ये जो लैंड ऑफ एक्सचेंज हमने किया पेप्सू और पंजाब के साथ, पेप्सू और पंजाब के साथ। पेप्सू आपको पता है कि जो पटियाला के आसपास का, जो पटियाला यूनियन की जो प्रिंसिपैलिटीज थी उसे हम पेप्सू कहते थे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन उसे हम पंजाब कहते थे। तो पेप्सू और पंजाब के साथ जो है एनक्लेव ऑफ एक्सचेंज हुआ, और हमें जो है वो क्या मिला, ये ध्यान रखने वाली बात, पंजाब से हमें कुछ एरियाज मिलते हैं जिसमें कि कोटखाई था, कोटगढ़ था, और आपका सोलन कैंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों जो क्षेत्र है सबसे पहले 1950 तक के पंजाब में होते थे, कोटखाई और कोटगढ़ का जो रीजन था ये भी पहले पंजाब में ही था। तो 1950 में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोटगढ़ हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज हुआ, 1950। ऑप्शन आपके पास 1948 भी आएगा, कुछ और भी हो सकते हैं, कंफ्यूजन होने की संभावना होगी। कोटगढ़ और कोटखाई जो 1950 में हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुआ, सोलन कैंट, कैंट कहते थे पहले, अम्बाला कैंट भी जैसे कहते थे, आज के टाइम में नहीं कहते कैंट क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के सारे शब्द कैंट हुआ करते थे, कंटोनमेंट है ना, तो इसको कैंट कहते थे, सोलन कैंट भी कहते थे, और ये नाम बहुत बाद तक भी रहा, मुझे भी याद है 1990-92-95 में भी ये नाम लोग बोलते थे सोलन कैंट, लेकिन अब कोई नहीं बोलता आज के टाइम में ना। तो ये सोलन कैंट हुआ, कोटगढ़ हुआ, कोटखाई हुआ, ये तीनों ही जो रीजन है ये पंजाब में थे, और इनको पंजाब से हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर किया, ये क्लियर कट दिमाग में छाप लेना इसको आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। ये हमने पंजाब से लिया, ठीक है जी। अब हमने इसके बदले पंजाब को दिया क्या, इसको समझेंगे। हमने दिया संजौली, हमने दिया भराड़ी, हमने दिया चक्कर, हमने दिया प्रोस्पेक्ट हिल, कसुमटी, पट्टी, रिहाना, क्लियर हो गया। ये रीजन हमने दे दिया, हमें मिला 3 रीजन, कोटगढ़, कोटखाई, सोलन कैंट। इसके बदले हमने एक्सचेंज क्या किया, हमने संजौली दे दिया, भराड़ी दे दिया, चक्कर दे दिया, प्रोस्पेक्ट हिल दे दिया, कसुमटी दे दिया, पट्टी रिहाना दे दिया, यानी कि शिमला चला गया अगेन, शिमला जो हार्टलैंड, क्योंकि कसुमटी आपका, संजौली, भराड़ी, चक्कर, ये तो शिमला है, ये चला गया पंजाब के पास 1950 में। तभी हम कहते हैं कि 1966 में शिमला जो है हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफर किया पंजाब ने, अगर आपको याद होगा तो, है ना, पढ़ते ना हम लोग, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हुए, कांगड़ा था, लाहौल स्पीति था, कुल्लू था, और उसमें शिमला भी था। तो 66 में हुआ क्योंकि शिमला जो है उस समय पंजाब को ट्रांसफर हो गया था 1950 में ही।
तो हमें मिला सोलन कैंट, मिला कोटगढ़, मिला कोटखाई, मिला इसके बदले में संजोली, भराड़ी, चक्कर, प्रोस्पेक्ट हिल, कसुम्पटी, पट्टी, रिहाना, यानी एंटायर शिमला लगभग जो था वो पूरा ट्रांसफर हमने करके पंजाब को दे दिया। ये समझ गए होंगे हम लोग। अब इसको और कैसे पढ़ेंगे, जब ये कोटगढ़, सोलन कैंट और कोटखाई मिला, तो अब क्योंकि ये तीनों रीजन, सोलन कैंट भी तब मासू में आता था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं मासू में आता था, यानी कि कालका तक का जो उस समय देखो नालागढ़ नहीं था हिमाचल प्रदेश, नालागढ़ आपको पता पंजाब में था, नालागढ़ मर्ज हुआ 66 में, तो सोलन तक का जो रीजन था वो सारा मासू आता था, सारा मासू होता था, यानी कि किन्नौर से शुरू हो रहा है मासू और आपका सोलन खत्म हो रहा है, उसे मासू हम कहते थे। तो अब ये तीन जो रीजन मिले, इससे क्या चेंजेस हुए, इससे चेंजेस ये हुए कि जो कोटगढ़ है ये पहले कुमारसन तो ऑलरेडी हिमाचल मासू की तहसील थी, तो कुमारसन का पार्ट बनाया गया कोटगढ़, आज भी है कोटगढ़ जो है वो कुमारसन का ही हिस्सा है, तहसील आपकी कुमारसन ही पड़ती है आज भी, अगर आपको पता होगा तो समझ लेना इस बात को कि कुमारसन तहसील के अंडर आ गया कोटगढ़, वन थिंग। अब कोटघाई आज के टाइम में तहसील है, जब उस समय इसको 1950 में इसको मर्ज किया तो बनी उप तहसील, सब तहसील बनाई गई 1950 में, तो समझ लीजिए आप कोटघाई एक अलग तहसील बन गई। और इसमें कुछ जो आपका रीजन था कोटखाई, खनेटी, आप धनकोटी, कुमारसन, बलसन का कुछ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जब ये हो रहे हैं कि कोटगढ़ बन गया कुमारसन, कुमारसन तहसील का हिस्सा, और कोटखाई एक इंडिपेंडेंट सब तहसील बन गई, ये चीजें हो गई, क्लियर हो गया ना। और सोलन बनाई गई एक नई तहसील, और इसमें 7 गांव भी ले लिए गए, कहाँ के, जो आपके नालागढ़ के थे, तो सोलन एक अलग तहसील बन गई, कोटखाई एक अलग यूनो सब तहसील बन गई, और कोटगढ़ जो है कुमारसन तहसील के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया, तो क्लियर कट हो जाना चाहिए। अब है कुछ चीजें और भी, अब है जुब्बल वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब हमने उत्तर प्रदेश से कुछ एरिया ले लिए, संसोग और भाटर, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, संसोग और भाटर, ये आपको एग्जैक्टली नाम इनके पता होने चाहिए, ये एरिया उस समय होता था उत्तर प्रदेश में, और ये आपको पता हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाला बॉर्डर का एरिया था, और ये दोनों गांव लेके इसको मिला दिया गया जुब्बल तहसील में। तो मतलब उत्तर प्रदेश से भी हमने दो एनक्लेव लिए, और उसमें संसोग और भाटर, इनको दिया कुछ नहीं वापस, तो संसोग और भाटर हमने जो है इसको जुब्बल में मर्ज कर दिया, तो क्लियर हो जाना चाहिए, भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आपके पास है कुसुमटी में भी थोड़ा बहुत चेंज आया। अच्छा ये क्या छबरोट एरिया जो था, जो कि पहले पेप्सू, मतलब उसको आगे जाके पढ़ेंगे अभी नीचे पेप्सू, तो कुसुमटी में भी हमने एक रीजन मर्ज कर दिया और छबरोट कर दिया, और ये हमने लिया था पेप्सू से, तो क्लियर हो गया होगा है ना। तो ये बदलाव कुछ आ गया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मासू के अंदर, कुल मिला के कहाँ बदलाव हुआ है, कोटखाई अलग सब तहसील बनी, कुमारसल जो तहसील में चेंजेस हुआ, जुबुल में भी कुछ बदलाव आ गया, सोलन नई तहसील बन गई, कसुमटी में थोड़ा सा बदलाव आ गया। तो ये फर्क पड़ता है 1950 में जब इनक्लेव ऑफ एक्सचेंज हुआ, पंजाब हमने कवर कर लिया, बात करते हैं पेप्सू की। पेप्सू को हमने दिया क्या, पेप्सू को हमने दिया रामपुर, रामपुर आपको पता है कि आज कहाँ है, शिमला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है रामपुर, तो रामपुर चला गया पेप्सू। और अभी भी आपको मालूम होगा जब आप कभी रामपुर जाएंगे या कोई गया होगा, तो रामपुर के आसपास बहुत प्रॉपर्टी अभी भी पटियाला के राजा की है, बहुत प्रॉपर्टीज मिलेगी अभी भी आपको, ठीक है। तो रामपुर हमने ट्रांसफर कर दिया पेप्सू को, वाकना यानी कि वाकना घाट प्रेजेंट टाइम का, ये भी हमने ट्रांसफर कर दिया पेप्सू को। कोटाहा, अब ये मुझे पता नहीं कहाँ होगा कोटाहा, भरी भी आई डोंट नो, ये भरी और कोटाहा कौन से गांव होंगे, ये सारा जो रीजन है ये कुल मिला के 4 गांव जो है, ये रामपुर, वाकना, कोटाहा, भरी जो रीजन है, ये हमने पेप्सो को ट्रांसफर किया, और उसके बदले हमें पेप्सो से क्या मिला, फ्री, आपको पता आज के टाइम का बहुत फेमस हिल स्टेशन है, और धार, खनलोग, गोलिया, जमराहा, सुरेटा, ये गांव हमने जो लिए हैं ये हमने पेप्सो से लिए, तो पेप्सू के साथ हमारा एक्सचेंज हुआ, और ये समझ आ जाना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इसको अच्छे से कवर कर लेना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पल्स पॉइंट है, और ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल सा पार्ट है, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो इसको आप एग्जाम में आंसर कर नहीं पाएंगे, क्लियर हो गया, ये 1950 में हुआ। अब हम सीधे आते हैं जी, अब 1951 से 56, अभी तक हमने 1948 से 1950-51 तक हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हमने समझा, अब 1951 में कुछ बदलाव हो रहे हैं वो क्या है इसको समझेंगे। 1950 में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसमें प्रावधान था ABCD यानी कि 4 तरह की टेरिटरीज का, और आपको मालूम होगा कि पार्ट जो प्रिंस जो ब्रिटिशर प्रोविंसेस थे उनको पार्ट ए में जोड़ा गया, पार्ट बी में आपको पता प्रिंसली स्टेट्स थी,
सी में छोटी छोटी स्टेट से बना के जो बड़े यूनियंस बनाए गए वो सारी स्टेट्स थी, और डी में आपको बताया कि अंडमान और निकोबार का एरिया था। तो हिमाचल प्रदेश को रिकॉग्निशन मिलता है पार्ट सी स्टेट का। तो 1948 में हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस है, 1951 में हिमाचल प्रदेश बनता है पार्ट सी स्टेट, और ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेना, 1 नवंबर 1951 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नवंबर 1951 को हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी जो आपको स्टेटस दिया गया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो जाते हैं, पार्ट सी स्टेट के पास भी असेंबली का अधिकार उनको दिया गया, दे विल हैव अ गवर्नमेंट, उनको ये राइट दिया गया कि जो पार्ट सी स्टेट्स होंगे वहां भी असेंबलीज होगी, वहां भी गवर्नमेंट्स होंगी, सरकारें बनेंगी। तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश में पहली बार असेंबली जो बनती है वो 1951 के आधार पर जो चेंजेज है उसके द्वारा बनी, और हिमाचल प्रदेश की पहली जो लोकप्रिय सरकार थी या हिमाचल प्रदेश की जो पहली विधानसभा बनती है 1952 में। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब ये जो नया प्रावधान था उस नए प्रावधान में हायरार्की में भी चेंज हो गया। इससे पहले चीफ कमिश्नर की पोस्ट हुआ करती थी, अब पोस्ट उसका नाम बदल के कर दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो हिमाचल प्रदेश में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते मेजर जनरल हेमंत सिंह, और उनकी अपॉइंटमेंट होती है 1 मार्च 1952 को। ये डेट भी आपको कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहला कोई भी पोस्टिंग हुई हो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं मेजर जनरल हेमंत सिंह। और क्योंकि चुनाव है 52 में, तो आपको पता जो चुनाव हुए और लोकसभा के भी हुए, सातों साल चुनाव हुए थे। अब इलेक्शन के बाद जो हिमाचल प्रदेश में पहली गवर्नमेंट बनती है 24 मार्च 1952 को, टोटल सीटें उस समय 36 थी, 36। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि टोटल लेजिस्लेटिव जो सीट्स थी हिमाचल प्रदेश में वो 36 थी, उसमें से 24 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, और डॉक्टर वाईएस परमार की अध्यक्षता में पहली गवर्नमेंट बनती है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। 24 मार्च 1952 में हिमाचल प्रदेश में पहली सरकार बनती है। तो आई थिंक ये मैंने सारी चीजें जो अगले पेज में मैं हमने कर लिया डिस्कस, तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। और 1952 में जब पहली गवर्नमेंट बनी तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी बनते हैं केएल मेहता। आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी जो है ब्यूरोक्रेसी के हेड होते हैं, जितना भी पूरा कर्मचारी अधिकारी एक राज्य के अंदर काम करते हैं उनका बॉस होता है चीफ सेक्रेटरी। अभी भी हिमाचल प्रदेश में नई गवर्नमेंट बनी है और हमारे चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं, नाम बता दूं, प्रमोद सक्सेना। प्रमोद सक्सेना हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी है। अभी अगर आपको मालूम होगा तो पिछले 2 दिन पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, प्रमोद सक्सेना हिमाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी। तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? केएल मेहता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो केएल मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी 1952 में बने। क्या होता है चीफ सेक्रेटरी और क्या करता है चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि आई थिंक आप सबको ही एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, हो सकता है कि कल को आपके ऊपर भी कोई एक एक इसी पोस्ट वाला आदमी बैठेगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, और आप में से अगर कोई आईएएस में चला गया, ईश्वर की कृपा अगर आपके ऊपर हुई और आपकी मेहनत आपने की, तो आप में से कोई भी चीफ सेक्रेटरी बन सकता है, हेड होते हैं। और कोई बताना चाहेगा चीफ सेक्रेटरी क्या होता है? स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के हेड। और बताओ, गवर्नमेंट देखो जो ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो होता है ना, असली ब्यूरोक्रेसी का मजा तो इसी लेवल पे काम करने का होता है। जो तो डीसी की पोस्ट होती है वो तो हंसने खेलने वाले काम होता है कि चलो ये खेलने का मौका दे दिया कि चलो जस्ट इंजॉय करो 2-4 साल, थोड़ा देख लो कैसी जिंदगी होती है। डीएम की पोस्ट को कहते हैं बेसिकली, ये फील्ड पोस्टिंग होती है, जो भी एसडीएम से लेकर एडीएम डीसी लोग बनते हैं ये फील्ड पोस्टिंग, ये तो हंसने खेलने का टाइम होता है। असली खिलाड़ी तो सेक्रेटरीज होते हैं, जहाँ पॉलिसी मेकिंग की शुरुआत होती है वो सेक्रेटरी लेवल है हमारा। और सेक्रेटरी आमतौर पर वही बनता है जिनकी सर्विस कम से कम 35 साल की सर्विस हो, इट इज मैंडेटरी 35 साल। तो इसलिए जो लोग टॉपर्स होते हैं सिविल सर्विसेज में, जिनकी जिनका सिलेक्शन 21-22 साल में हो जाता है या 23-24 साल में हो जाता है, वही सेक्रेटरी बन पाते हैं, चीफ सेक्रेटरी स्पेशली, क्योंकि 35 साल की सर्विस तो होगी नहीं अगर कोई 30 साल में आईएएस में जाएगा।
तो नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल। अगर कोई 25 साल तक या 25 साल तक भी अगर कोई आईएएस में जाता है तो उसके पास पूरा चांस होता है कि वो चीफ सेक्रेटरी बन सकता है ना। ब्यूरोक्रेसी का टॉप जिसे कहते हैं स्टेट के अंदर चीफ सेक्रेटरी होता है। मुख्यमंत्री के साथ रोज की रोज मीटिंग होती है, फोन कॉल के द्वारा भी होती है, वैसे भी मिलते रहते हैं। जो भी सारा स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन होता है चीफ सेक्रेटरी को सब कुछ पता होता है और उनकी गाइडलाइंस मुख्यमंत्री के लिए होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री को तो नहीं पता होता टेक्निकलिटीज का। मुख्यमंत्री को कुछ भी करना है, कुछ भी उनके दिमाग में आइडिया आ गया कि मुझे ये करना है जी, तो ठीक है सर हो जाएगा। तो कब तक होगा सर? देखता हूँ आज कल परसों, 2-3 दिन का टाइम लेते हैं, फिर करते हैं इम्प्लीमेंट चीजों को। तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ एक एक जो शब्द होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। समझ गए ना आप? जैसे बस बस वही फर्क है जो एक मुख्यमंत्री में होता है और मंत्री में होता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। चीफ सेक्रेटरी बेसिकली क्या, जो आपके सेक्रेटरीज होते हैं उनके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हेल्थ सेक्रेटरी हो गया, आईपीएस सेक्रेटरी है, होम हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, जितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसका एक सेक्रेटरी होता है और उसका एक मंत्री होता है। ठीक है, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है जो एक्चुअल जो आपका लीगल एस्पेक्ट है उसके बारे में पूरी नॉलेज होना, रेवेन्यू और जो सारी मतलब जो भी उसके पीछे टेक्निकलिटीज होती है। अब मिनिस्टर होता है एक आम आदमी, क्योंकि मिनिस्टर तो हम लोगों ने चुन के भेजा है वहां। मिनिस्टर को लगता है कि लोगों की भलाई के लिए काम करने चाहिए, तो आदेश देगा सेक्रेटरी को कि भाई मुझे लग रहा है कि जैसे अभी मुख्यमंत्री स्कीम की शुरुआत की, पर सुना भी है क्या नाम है, बताओ, नई स्कीम की लॉन्च होगी हिमाचल प्रदेश में, बताओ ना जी, अभी न्यू ईयर में शुरुआत की मुख्यमंत्री ने, सुआश्रय योजना। सुआश्रय योजना कि ऐसे बच्चे जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है उनको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पढ़ाएगी, उनकी पूरा शादी का, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश उठाएगी। अब मुख्यमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया, अब मुख्यमंत्री को नहीं पता ये पैसा कहाँ से आएगा, और मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि इसमें करेंगे क्या हम, प्रावधान क्या, प्रोविजंस क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या डालेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, कहाँ से फंड देंगे, कुछ नहीं पता मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री है, तो उनका काम है लोगों की भलाई के लिए काम करना। उनको पता है कि लोगों की दिक्कतें हैं, इस तरह के बहुत लोग हमारे स्टेट के अंदर जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, जिनके कोई माँ बाप है ही नहीं, ऑरफान जो बच्चे होते हैं, आपको पता है ये काम मुख्यमंत्री का है। अब ये मुख्यमंत्री ने कहा किसको, चीफ सेक्रेटरी को कहा कि भैया आप इसका कुछ प्लान करो, मैं तो कह दिया, तो कहाँ से पैसे का इंतजाम करोगे देखो, तो बोलेंगे सर पैसे तो है नहीं हमारे पास, कहाँ से पैसे निकालना, बजट ही नहीं है, बजट तो बजट का पूरा इंतजाम करना, रेवेन्यू नहीं है तो रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा, पर उसके लिए क्या क्या क्लॉज हम बनाएंगे, वो सारी चीजें कौन करता था है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो तय करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की गाइडलाइंस होती हैं, बाकी मुख्यमंत्री का तो फेस होता है ना, बाकी तो सारे पीछे बैठ के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही प्लानिंग पूरी करते हैं उसकी, तो आप समझ गए होंगे है ना, यही काम होता है जो ब्यूरोक्रेसी का। सही मायने में पॉलिसी मेकिंग तो वही करते हैं, ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास, उनको लोगों को पता होता है कि लोगों की समस्याएं क्या क्या है, वो ग्राउंड से उठ के आए होते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, एमएलए चुन के आए होते हैं, तो उनको पता है कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, आप समझ गए है ना। जैसे भी ओपीएस को लेकर अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है, उन्होंने कर तो दिया, हालांकि उसके ओपीएस को भी हम बहाल करेंगे बहुत जल्दी, तो अब ओपीएस को लेकर सीएम ने तो कह दिया, अब पार्टी ने भी कह दिया कि हम ओपीएस बहाल करेंगे, अब आफत किसको है, सीएस को, सेक्रेटरी को, कि सर अब सीएम साहब ने, कि सीएम साहब की बात तो आप मोड़ ही नहीं सकते, मुख्यमंत्री के मुंह से जो भी शब्द निकला है यस सर, नो सर नहीं हो सकता, यस सर होगा, यस सर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो प्लान करेंगे बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कब से देंगे, क्या करेंगे, उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, पूरी रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट के बाद प्रेजेंटेशन होगा, उसके उसके बाद डिस्कशन होगी, तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये सारा काम होता है ना। हमारे देश में ना जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट चलती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक गवर्नमेंट होती है जो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो हमेशा काम करती है, ब्यूरोक्रेसी हमेशा काम कर रही होती है ना, जब इलेक्शन भी नहीं चल रहे थे तो भी काम चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, आप डीएम डीसी बैठे हुए हैं, वो सारा शासन चला रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन अगर हो जाए तो असली शासन की बागडोर इनके हाथों में ही होती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी या कुछ और कारण ऐसे बन जाए तो इनके पास ही पूरा शासन की बागडोर होती है, लेकिन जब सामान्य चल रहा है तो शासन की बागडोर लोगों के हाथ में होती है, लोग मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास, तो इस तरह का मैकेनिज्म चलता है।
ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो सीएस होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनकी जो पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज है ना वही बताएंगे। चीफ सेक्रेटरी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर उनकी एडवाइस सही नहीं होगी तो काम गलत होंगे, काम गलत हो जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा। मतलब कई बार ये कहते हैं ना कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बहुत चालाक होते हैं, मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं, मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री को गुमराह कर दिया तो मुख्यमंत्री को तो पता है ही नहीं चीजों का, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स कई बार ऐसा करते हैं कि अपने हित के लिए सारे पैसे गुला देते हैं। जैसे सपोज करो कि आउटसोर्स की पॉलिसी बना दी, आईएएस ऑफिसर के तो मजे हैं, क्योंकि सैलरीज मिल रही है आपको, वेतन भत्ते सुविधाएं जो चाहिए वो मिलता है, जो चाहिए वो मिलता है। लेकिन जो क्लास 3 लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए आउटसोर्स बना दो, सर इनको 3500 दे देंगे, उनको 3500 देंगे, आपका 3 3 लाख में गुजारा नहीं हो रहा है, ये कौन कौन करता है ये सारी चीजें? ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता है कि हमारा जो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, कॉस्टिंग हमारी कम होनी चाहिए, तो पूछते हैं कि भैया कैसे होगी? सर ये सर ऐसा करते हैं कि क्लास 3 वाले एम्प्लॉयज की सैलरी कम करके उनको आउटसोर्स पर डाल देते हैं। ठीक है, इज डन। इस लाख कौन दे रहा है? ब्यूरोक्रेट्स दे रहे हैं। तो जो राजा होता है, राजा मतलब मुख्यमंत्री जो है, उसको इन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उसको गलत सलाह ना दें, अगर उनकी वो उसमें की बातों में आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आपको मालूम होगा ना, अभी जयराम जो पिछले गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री थे, जयराम ठाकुर थे, उनकी गवर्नमेंट इसीलिए गई सरकार यहाँ से, क्योंकि आपको पता कि लास्ट में बड़े सारे रिवोल्ट हुए एम्प्लॉयज के, तो जो नीचे ब्यूरोक्रेट्स थे वो चीजों को संभाल नहीं पाए, या उन लोगों ने जानबूझ के संभाला नहीं। आपने एक एपिसोड देखा होगा कि वोकओवर में जितने सारे पुलिस वाले थे सब इकट्ठे हो गए, पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ, पूरे भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, हुए कि नहीं हुए थे? पूरी पुलिस फोर्स इकट्ठी होकर वोकओवर पहुंच गई। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पुलिस का मुखिया डीजीपी क्या सोया हुआ था, क्या उसको पता नहीं है ना? तो अगर ये होती ब्यूरोक्रेसी, अगर ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो कुछ भी कर देगी वो, क्योंकि वो तो महफूज है, उनको तो सैलरीज मिल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से, कोई जाए कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुख्यमंत्री का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो ऐसे घोड़े हों जिनकी लगाम मुख्यमंत्री के हाथ में हो। अगर घोड़ा आपके हाथ से निकल गया तो कुछ भी कर लेगा वो, तो कुछ, इसलिए इम्पोर्टेंट रोल होता है जी मिनिस्टर का। इसलिए मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल में रखना जानते हैं। अगर वो ब्यूरोक्रेट्स की बात को मानने वाला होगा, यस मैन होगा मुख्यमंत्री, तो मुश्किल हो जाएगा, गुमराह करेंगे ना ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसा होता है ना। अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी को गुमराह करना बहुत आसान नहीं है, कोई गुमराह नहीं कर सकता, कि मुझे क्या करना है ना। तो ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसके सामने बहुत तरह के चैलेंजेस। जयराम ठाकुर की सरकार इसलिए हिमाचल प्रदेश में गई कि ब्यूरोक्रेट्स ने चीजों को अच्छे से संभाला नहीं, आंदोलन हुए, एम्प्लॉयज पहुंच गए हर जगह जगह पे, तो क्या कर रहे थे आपके लोग जो आपने बैठा के रखे हुए हैं? और सच बता रहा हूँ, जैसे ये पुलिस का एपिसोड हुआ कि सारे पुलिस वाले वॉकओवर पहुंच गए, अगर वो ढंग का मुख्यमंत्री होता तो उसी टाइम डीजीपी को बोलता, भैया यहाँ से सामान उठाओ, हिमाचल प्रदेश से जाओ यहाँ से बाहर, उसी रात उसको बाहर फेंक देता है हिमाचल प्रदेश से, जाओ गेट आउट फ्रॉम हियर, स्टेट में रहना नहीं देने। ये मुख्यमंत्री के अंदर दम होना चाहिए, होना चाहिए ना दम, ये दम नहीं है। सर बाद में कह दिया होगा डीजीपी साहब ने, सर मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे को बाद में पता लगा, अब सर इम्प्लॉयज की प्रॉब्लम थी, वो तो करेगा बात ऐसे ही आपके सामने। तो चीफ मिनिस्टर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा होना चाहिए ना। तो चीफ सेक्रेटरी कौन थे? केएल मेहता, और इन दिनों कौन है? प्रबोध सक्सेना। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला सत्र था, 1952 में इसकी शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत हुई है वाइस रीगल लॉज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारा विधानसभा थी, जिसे हम कहते हैं काउंसिल चैम्बर, वो उस समय पंजाब में था, ये बिल्डिंग पंजाब में थी। और जैसे अभी हमने पढ़ा है कि 1950 में शिमला ट्रांसफर हो गया था पंजाब, दैट्स व्हाई ये जो पहला जो सेशन होता है विधानसभा का, वो होता है वाइस रीगल लॉज में, जो आज के जमाने का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। मेजर जनरल हिम्मत सिंह पहले हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, आपको पता ही है कि विधानसभा की शुरुआत होती है गवर्नर के एड्रेस के साथ, तो गवर्नर के एड्रेस के साथ उसकी शुरुआत हुई। 1952 से 1956 के बीच में जितनी भी बैठकें हुई हिमाचल धाम वाइस रीगल लॉज, ध्यान रखना हिमाचल धाम जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो मुख्यालय था, जिसे सेक्रेटेड आज हम कहते हैं, उसे उस समय कहते थे हिमाचल धाम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिमाचल धाम किसको कहते थे,
तो जो सेक्रेटेरिएट जिसे आज हम कहते हैं उसे हम कहते थे हिमाचल धाम, 52 से 56 तक मीटिंग हुई। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते डॉक्टर वाई एस परमार, और उनके मंत्रिमंडल में दो और लोग थे, और हिमाचल प्रदेश के पहले होम मिनिस्टर बनाया गया था पंडित पदम देव को, जो कि शिमला के रोहड़ू के रहने वाले थे। तो ये थी हमारी पहली सरकार। इससे पहले हम लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके, जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने, कृष्ण चंद्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले डेप्टी स्पीकर बने। तो हमने सारा ही कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि बिलासपुर जो है 1954 में मर्ज हुआ। पहले तो एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए कब मर्ज हो रहा है। 1 जुलाई 1954 को हुआ बिलासपुर का मर्ज, और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। और आपको पता है कि एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश का दूसरा छोटा डिस्ट्रिक्ट है ये, और बिलासपुर का एरिया 1168 है। तो आपको पता है कि 1118 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमीरपुर का है, जबकि जो कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का, और दूसरा छोटा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है। बिलासपुर आपको पता है कि बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी आजादी से पहले, और 1948 में बिलासपुर को इसीलिए हिमाचल प्रदेश में मर्ज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि भाखड़ा डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और उसमें कोई कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसीलिए बिलासपुर को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में रिकॉग्निशन मिला। ये भी एग्जाम में सवाल आ सकता है कि 1948 से लेकर 1954 तक बिलासपुर चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, और इस चीफ कमिश्नर प्रोविंस में दो चीफ कमिश्नर बिलासपुर में रहे। पहले थे राजा अनंचन, दूसरे थे कौन, श्रीचंद छावड़ा, अगर आपने पढ़ा होगा। तो दो चीफ कमिश्नर रहे हैं बिलासपुर के भी, पहले आनंद चंद रहे, दूसरे श्रीचंद छावड़ा जो है बिलासपुर के चीफ कमिश्नर रहे। और अल्टीमेटली जो बिलासपुर के लोग थे उन्होंने लगातार इस बात के लिए संघर्ष करते आ रहे थे कि जो हमारा मर्ज है हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, और इसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिनके नाम आपको पता है, संत राम कांगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दौलत राम संग्ञान है, सदा राम चंदेल है। ये तीनों ही वो नेता थे जो कि प्रजामंडली रहे हैं बिलासपुर स्टेट में। ध्यान रखना बिलासपुर स्टेट में जो आपका प्रजामंडल का गठन हुआ था वो हुआ था 1946 में। 1946 में प्रजामंडल जब बना तो यहाँ संत राम कांगा, दौलत राम संख्यान और सदानंद राम चंदेल जैसे लोगों ने बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज करने के लिए लगातार जोर डाला। तो 6 अप्रैल 1952 को मीटिंग इनकी होती है, जिसको लीड कर रहे थे संत राम कांगा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित से इनकी मीटिंग होती है, और बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज करने का उन्होंने रिक्वेस्ट की, और भारत के प्रधानमंत्री ने इनके आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर हम बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज करेंगे। एक नाम यहाँ आ रहा है, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी ये महिला? इंटरनेशनल नहीं कोऑर्डिनेटर यूएनओ की, यूएनओ में पहली भारत की रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी विजय लक्ष्मी पंडित जो है, इनसे मीटिंग होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का मर्जर हुआ, 5वां जिला बना, तो ध्यान रखने वाली बात। और बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश में मर्ज होने से ना केवल क्षेत्रफल बढ़ा, एरिया हो गया 28,186 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन भी बढ़ी, और इसके साथ विधानसभा की सीटें भी बढ़ी। सीटें पहले आपकी 36 होती थी, उसके बाद 41 हो गई, यानी कि 5 सीटें बिलासपुर की जो थी हिमाचल प्रदेश में मर्ज की गई, और टोटल सीटों का नंबर हो गया है 41। क्लियर है यहाँ तक? जुलाई क्लास में भी है हिमांशु, आप बिगनर हैं, यस ग्रेट। आगे हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। जिन लोगों ने पॉलिटी को पढ़ा होगा ध्यान से उनको पता है, यहाँ हुआ क्या कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1953 में। इसके पीछे की वजह ये थी कि आंध्र प्रदेश जो है सेपरेट हो गया था, पहली लिंग्विस्टिक स्टेट जो भारत की बनती वो आंध्र प्रदेश थी, यानी कि मद्रास समाप्त होकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नामक दो स्टेट्स बने। और श्रीधरलू का ये आपको पता है कि बहुत बड़ा एजिटेशन था, उनकी मौत हो जाती है, एक हंगर स्ट्राइक पे वो थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशराइज हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनन फानन में घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया जाए, और पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश। हालांकि इससे पहले 1948 में जितनी भी कमिटीज बैठी थी स्टेट को लेकर कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनना चाहिए कि नहीं, उन सबकी रिकमेंडेशन थी कि लैंग्वेज के आधार पर कोई स्टेट नहीं बनाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसनेस ही ग्राउंड हो सकता है स्टेट बनाने का। लेकिन ये जब 1953 में सरकार अपने स्टैंड से सरकार को खुद मुकरना पड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी, आंध्र प्रदेश अनकंट्रोल्ड हो गया था,
उसके बाद ये गवर्नमेंट को लगा कि ये जो चिंगारी सेपरेशन की है अलग अलग स्टेट में भी आगे बढ़ सकती है, तो क्यों ना हम एक फॉर्मूला बनाएं इसका कि स्टेट का फॉर्मेशन किस आधार पे हो सकता है। इसीलिए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इस कमीशन में कुल मिला के 3 मेंबर थे, शाह फैजल अली जो उसके चेयरपर्सन थे, और इसके अलावा जो है हृदयनाथ कुंजरू और महावा अच्छा पानीकर इसके मेंबर थे। अब ये कमीशन बना तो इस कमीशन को काम दिया गया और हिमाचल प्रदेश भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिशियन यहाँ के लोग लंबे टाइम से मांग कर रहे थे जो कांगड़ा हिल स्टेट है उसको हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया जाना चाहिए, ये मांग यहाँ भी चल रही थी। तो अब इस कमीशन की रिपोर्ट आती है, इस कमीशन की रिपोर्ट ही आधार बना, आपको पता है कि 7th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में, जिससे कि हमारा जो टेरिस्ट्रियल जो डिवीजन था वो चेंज हो गया, ए बी सी डी से हटकर अब स्टेट यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड एरिया हो गया, 3 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया। और साथ में उनकी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये थी कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज कर देना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट थी कि हिमाचल शुड मर्ज इंटू पंजाब बिकॉज शिमला हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी स्टेट है, यहाँ डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन किसी भी एबल एडमिनिस्ट्रेशन की जान होती है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश बहुत महफूज है, इसलिए हिमाचल प्रदेश का एक राज्य के रूप में विकास नहीं हो सकता, पंजाब में मर्ज करना ही बेहतर विकल्प होगा, इस कमीशन की रिपोर्ट थी। लेकिन क्योंकि शाह फैजल अली जो इस कमीशन के चेयरपर्सन थे, यहाँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके साथ लंबी बातचीत की, पत्राचार भी किया और उनको सारी हिमाचल प्रदेश की कंडीशन को बताया, और उनका एक पर्सनल कमेंट ये था इस रिपोर्ट को लेकर कि देखो कमीशन तो ये चाहता है, क्योंकि कमीशन में फैसले 2-1 से होंगे, जहां बहुमत होगा 3 मेंबर है तो जो 2 मेंबर का फैसला होगा वही कमीशन का फैसला माना जाएगा, पर उन्होंने कहा कि एक अध्यक्ष की हैसियत से मेरा ये सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल पर ही रहने दिया जाए, उसको पंजाब में मर्ज नहीं करना चाहिए। तो जब इस कमीशन की रिपोर्ट आई बहुत हो हल्ला हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के साथ जो यहाँ के उस समय की तात्कालिक बुद्धिजीवी लोगों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से बातचीत की, इंटरव्यून मांगा कि हमें पंजाब में मर्ज ना करें, हिमाचल प्रदेश का कल्चर, यहाँ की बोली भाषा खान पान कुछ भी पंजाब से मैच नहीं होता, हम पंजाबी अस्मिता के लोग नहीं हैं, पहाड़ी हमारी पहचान है और हिमाचल प्रदेश को बचाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, तो रिपोर्ट का ये था कि इस रिपोर्ट के बेस पे हिमाचल प्रदेश को खत्म करके पंजाब में मर्ज कर देना चाहिए। वो डॉक्टर वाईएस परमार ने इस बात को लगातार हिमाचल के हक की बात को उठाया सेंटर में, और फाइनली हिमाचल प्रदेश 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, पंजाब में मर्ज होने से बच गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूटी बन गया, 56 से लेकर 71 तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी ही बना रहा, और बजरंग बहादुर पहले यूटी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इससे पहले हमने पढ़ा है मेजर जनरल हिम्मत सिंह, वो भी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन तब थे जब जब जो पारसी स्टेट बना, लेकिन अब ये जो बजरंग बहादुर है ये तब लेफ्टिनेंट गवर्नर बने जब हिमाचल प्रदेश एक यूटी बन गया है, और 1971 में जो अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम भी बहादुर सिंह है, ये नाम इंपॉर्टेंट है जी, कवर कर लीजिए आप, अंतिम कौन पहले कौन और जब जब पारसी था तब कौन, ये सारे नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर हो गया जी? ओके, तो कुल मिला के अब है 1956 में बदलाव, और 1956 का बदलाव 1971 तक रहा। अब इस बदलाव के बीच में भी तीन दो बड़े पड़ाव आए हैं, उन पड़ाव को पहले समझते हैं उसके बाद हम विस्तार रूप आगे की बातचीत करेंगे। पहला बदलाव जो आता है, वैसे तो कई बदलाव हैं, पहला एक और बदलाव समझ लेते हैं, 56 के बाद पहला पड़ाव आया हिमाचल प्रदेश में, वो आया 1960 में, जब यहाँ से हमने चीनी को अलग कर दिया, चीनी आपको पता है कि मासू की तहसील हुआ करती थी, और रामपुर के 14 गांव हमने लेकर एक नया जिला बना दिया किन्नौर, तो हिमाचल प्रदेश अब एक्सपैंड हो गया, जो पहले जिले 5 थे अब जिले 6 हो गए, तो 1960 में यानी कि 1 मई 1960 को किन्नौर नामक एक नया डिस्ट्रिक्ट बनता है 1960 में। अब 60 के बाद 63 में एक और पड़ाव आया, 63 में आपको पता है कि जिन जिन जो यूटीज थी उन उन यूटीज में विधानसभाएं बहाल कर दी गई, तो अभी 1956 के बाद क्या हुआ कि यहाँ यूटी प्लस टेरिस्ट
आपका टेरिटोरियल काउंसिल बनी 56 से लेकर ये काउंसिल रही आपकी 63 तक। 63 में यूटी प्लस असेंबली रहा और यूटी प्लस असेंबली रहा 1971 तक। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को स्टेटूट दिया गया, तो आपकी भारत की प्रधानमंत्री थी मिसेज इंदिरा गांधी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना और पूर्ण विधानसभा के साथ राज्यपाल और जो स्टेट की गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट होती है उसके साथ हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक आकार हिमाचल प्रदेश को मिला। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरा ये सारा सिनेरियो। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जो लोग एचईएस की तैयारी, एलाइड की तैयारी, एनडी की तैयारी में है, एचईएस में 20-20 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए, बड़ा सवाल आने की पूरी संभावना है यहाँ से। ठीक है, राइट डाउन द एंटायर जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1948 टू 1971। तो आपको एग्जैक्टली सारी ये जानकारी पता होनी चाहिए कि पूरी यात्रा हमारी किस तरह की रही है, एक राज्य एक फॉर्मेशन से अस्तित्व में आने से लेकर पूर्ण राज्य बनने तक की पूरी यात्रा।